नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं NHI न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। शुक्रवार को महिला थाने में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी ने नाम बदलकर महिला को शादी का झांसा दिया और उसका शारीरिक शोषण किया। असलियत सामने आने पर महिला ने पुलिस को शिकायत की। उज्जैन के मुनिनगर निवासी एक महिला की पहचान 2018 में नागदा निवासी विकास बागड़िया से हुई थी। पहचान के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। विकास ने इस दौरान शादी का झांसा देकर कई बार महिला का शारीरिक शोषण भी किया। दो दिन पहले विकास बाथरूम में था, उसके पर्स से उसका फोटोयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस मिला जिसमें विकास का नाम वसीम अकरम निवासी बर्नगर लिखा था। इस पर उसे संदेह हुआ तो उसने विकास से सच्चाई पूछी। पीड़िता ने बताया कि पहले तो वह आनाकानी करता रहा लेकिन बाद में उसने सच बता दिया। एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि महिला की शादी साल 2004 में हुई थी। उसके दो बच्चे भी हैं। पति के साथ विवाद होने के बाद वह उससे अलग हो गई थी। उसके बाद से ही वह मुनिनगर में किराए के मकान में रहने लगी जहां पर उसके पड़ोस में रहने वाली एक युवती ने उसकी मुलाकात नागदा के विकास बागड़िया नाम के युवक से कराई। तब से लेकर विकास खुद की असली पहचान छिपाकर उसका शोषण करता रहा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वसीम ने उसे हमेशा धोखे में रखा। जब भी वह उस पर शादी का दबाव बनाती तो वह टाल जाता। वसीम ने महिला को तसल्ली देने के लिए मंगलसूत्र बनवा कर लिया और उसे पहना दिया था। वह कई बार महिला के साथ मंदिर में भी जा चुका था लेकिन वह खुद को नास्तिक बताकर कभी भी अंदर नहीं गया। जी, मुझे वो मिला वसीम। हाँ, एक वसीम जो मिला था मुझे विकास नाम करके मिला था। एक जया नाम करके लेडीज़ है जो मेरे घर के सामने किराए से रहती थी। उन्होंने मुझे कुछ मदद के लिए उससे मिलवाया था कि ये विकास हैं, बोले आपकी मदद करेंगे। तो वो रिलेशन में, यानी कि पीछे पढ़ के, यानी कि रिलेशन में जुड़ गया और रिलेशन में जुड़ के हिंदू नाम ही बताया उसने मुझे कि मेरा नाम विकास है, राजपूत समाज से हूँ मैं। और अपना नाम भी गलत बताया और रहवास भी नागदा का बताया। और मुझे अभी 2 महीने पहले मुझे पता चला कि वो मोमेडन है और उसका नाम वसीम है और अपना नाम बदल के मेरे संग में शादी का झांसा देके मेरा शोषण कर रहा था। अभी तक यहाँ पर थाने पर आई हैं आप? मैं थाने पर आई हूँ, मेरे को उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवानी है क्योंकि उसने मेरे संग में बहुत गलत गलत घटनाएँ की हैं और उसकी वजह से मैं अपने दिमाग की हालत ठीक नहीं है। एक पीड़िता के द्वारा थाना महिला में ये आकर के शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी दोस्ती किसी व्यक्ति से हुई और उसके साथ दो वर्ष तक लगभग दोस्ती में आपस में रहे और इनके बीच में आपस में कुछ संबंध भी रहे और बाद में जो व्यक्ति था उसने अपना नाम भी कुछ दूसरे रूप में रखा। और जब बाद में ये पीड़िता को पता चला तो फिर पीड़िता के द्वारा थाना महिला थाने में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना महिला के द्वारा 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है।